इट्स लंच टाइम गाइस, देखते हैं लंच में क्या क्या है। नॉर्मली सलाद से ही स्टार्ट होता है हर जगह, तो यहाँ पर भी है। पापड़ इज देयर, दिस इज शक्कर है यहाँ पर। ओ दही के लिए शक्कर है। गोभी की सब्जी, पनीर बटर, दाल चावल, जीरा राइस है। नॉर्मल रोटी, बटर रोटी। आगे देखते हैं आइसक्रीम। वो दिस इज़ गुड, आई फर्स्ट हैव द आइसक्रीम कर्ड। ये तो सेम है। इसके अलावा यही तो रोटी दिख रही है मेरे को, कुछ नहीं, सेम है। एवरीवन इज इंजॉयिंग, मैं भी करता हूँ। तो गाइज लंच के बाद अब हम लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रिक लोको शेड BRC का। और मैं और भविन भाई जा रहे हैं अभी टू व्हीलर से, और बाकी जो डेलीगेट्स आ रहे हैं वो बाय बस आ रहे हैं। वो पीछे दो दो बस है। भविन भाई यहाँ के लोकल है तो बोले फिर चलिए। ये रही बस हमारे कन्वेंशन वालों की। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं बड़ौदा लोको शेड, और मेरे पीछे है बड़ौदा लोको शेड का एंट्री। लोको शेड वालों, चलिए फिर चलते हैं अंदर। तो गाइस मैं बड़ौदा लोको शेड के अंदर हूँ, और यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, अलग अलग चीज़। भिलाई लोको शेड के जैसा ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, बस लोकोमोटिव का मेंटेनेंस वगैरह अलग अलग प्रकार के होता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बड़ौदा के वेब फाइट लोकोमोटिव है, दोनों अमूल लाइब्रेरी में। अमूल मतलब अमूल स्पॉन्सर किया है इस लोगों को एक्चुअली में, ताकि उनका पेंटिंग रहे और उनका एडवर्टाइजमेंट भी हो जाए। इसके पीछे आपको दिखा रहा हूँ मैं, ओके, अमूल के पीछे इधर है आपका एक वैक 4 लोकोमोटिव, उसके पीछे एक वैक 5 लोकोमोटिव है। तो ऐसे इधर एक वैक 7 भी है और वैक 4 भी है उसके पीछे। तो ऐसे कई लोकोमोटिव्स हैं और सबका मेंटेनेंस हो रहा है, सब BRC के ही है। सारे रेल फैंस हैं अंदर, और थोड़ा बहुत फोटोग्राफी का मिल गया हम लोग को। यहाँ वीज का हो रहा है कुछ, तो आगे और थोड़े फोटो दिखाऊंगा क्योंकि मेरा बैटरी खत्म होने वाला है कैमरे का। तो काफ़ी रेल फैंस इधर उधर घूम रहे हैं, पीछे है बड़ौदा का वैप 7, सारे जितने भी लोकोमोटिव्स हैं सब बड़ौदा के हैं। वैप 7 इधर पीछे भी मेरे वैप 7 और वैप 4, ये अभी न्यूली पेंटेड है, अभी पेंट हुआ है। और ये जो है बड़ौदा का मेरे पीछे, यहाँ पर ये अभी पेंट होना बाकी है। ये पेंट होने नहीं, तो ये रूटीन मेंटेनेंस के लिए। अच्छा, रूटीन मेंटेनेंस के लिए वैप 4 ई क्लास का। लोको शेड में है हम लोग, कई लोग अच्छे, बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पर। वैप 7, वैप 5, वैप 5 भी था एक,
वेब 4 और वेब 7 तो बहुत है, वेब 5 भी है, और मेरे पीछे है लाला घोड़ा का WAG 9 जो कि पूरा डैमेज हो चुका है, पता नहीं क्या हुआ था इसको, 31148 इट्स नो लॉन्गर इन सर्विस। उसके पीछे एक 300099 BRC का WAP 5 और इधर एक रिसेंटली आया हुआ है DLW का 30607 और उस साइड आपको दिख रहा है बड़ौदा का 22918 लोकोमोटिव। इधर है 30526। तो यहाँ इतने सारे लोकोज है और कुछ रेल फैंस भी है। मैं अभी आया हूँ इलेक्ट्रिक लोको सिमुलेटर सेंटर, विद्युत लोको सिमुलेटर केंद्र। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, जो लोको पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है सिमुलेशन करके लोकोमोटिव्स का, बहुत सारे रेल फैंस हैं, उन लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, कर रहे हैं, और साथ में लेट्स गो इनसाइड, मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूंगा कैसा होता है। तो ये है एक्चुअली सिमुलेटर रूम, अंदर जो आप देख रहे हैं जहाँ से कुछ डेलीगेट्स निकल रहे हैं वो एक्चुअली एक लोको का इंटीरियर का है डिजाइन। और आपके लेफ्ट साइड की जो स्क्रीन है वहाँ पर है सिमुलेशन, जो कैसा दिखता है लोको में से एनिमेटेड सिमुलेशन। नीचे कंट्रोल्स दिख रहे होंगे आपको और एक साइड में चार्ट दिख रहा है। तो ये सब होता है यहाँ पर सिमुलेटर रूम में, जहाँ पर लोको पायलट्स को वर्चुअली ट्रेनिंग दिया जाता है। तो गाइस हम लोग का सिमुलेशन वाला तो हो गया है, अभी बसेस भी रेडी है, सब लोग निकलने वाले, भाविन भाई चले गए कार से, मैं जा रहा हूँ बस में फिर से। तो हम लोग वापस नायर में जा रहे हैं और वहाँ पर शायद कुछ और इवेंट्स होने वाले हैं ऐसा हमें बताया गया है, अभी देखते हैं फिर अगला इवेंट क्या। सो फाइनली मेरे साथ है फ्रॉम अमेरिका, ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका, मिस्टर मानी विजय। इनके जो हेरिटेज वीडियोज है काफ़ी अच्छे है, आप जरूर इनको चेकआउट कीजिए, इनके चैनल को काफी पुराने वाले आपको अपनी बचपन की यादें ताजा हो जाएगी, ऐसे वीडियोस डालते हैं हमारे मन। और इनका भी वीडियोस काफी फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छे बाहर और अंदर का सब अच्छा लेते हैं। थैंक यू सर, बहुत मस्त चैनल है। तो पहले एक पैलेस था ये, जिसे इंडियन रेलवे ने फिर खरीद लिया, प्रस्तुति भवन, काफी अच्छा है ये दिखने में भी। मैंने आपको मिलाया नहीं है, ये अक्षय देशपांडे फ्रॉम मैसूर, मैसूर के बहुत सारे ब्यूटीफुल पिक्चर्स इज फ्रॉम अक्षय लेता है, और जितने भी अपडेट्स आते हैं मैसूर के ज्यादातर ये देता रहता है। रेल फैंस है यहाँ पर, एक ब्यूटीफुल व्यू के लिए खड़े हैं, जो है ये काफी अच्छी ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मैच में वापस, थोड़ा शाम का चाय नाश्ता करने, चाय बिस्कुट। अभी बढ़िया अंदर बैठ के चिट चैट किए, थोड़ा घूम लिए, अच्छा कैंपस है, काफी देखने लायक कैंपस है ये, ऐसा लगता है कि आप किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में खड़े हो, क्योंकि यहाँ पर पीकॉक्स भी है, यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स अलग अलग है, आपको पीकॉक इतने दिखेंगे ना आप खुश हो जाओगे देखकर, लिटरली।
तो चलते हैं अभी चाय पीने, चाय टाइम ना हो तो। अब चाय बिस्कुट के बाद वापस है ऑडिटोरियम हॉल में आ गए। अभी क्विज कंपटीशन होने वाला है। लॉगिंग बैन है, लॉगिंग बैन है, नो बैनिंग ऑफ लॉगिंग। या बाबा जी एक सीट दे दो यार, एक ही है ना, सब अरे सीट दे दो, सीट सीट सीट। तो अभी होने वाला है, आदित्य जी बड़े मस्ती करते हैं। हाँ व्लॉग में तो ये फिर से आया है। कैसे हो दोस्त? हाँ ये आपको याद है कौन है? ये नागपुर में मिला था। हाँ नागपुर में मिला था, अभी दोबारा यहाँ पर फाइनली मिल गया है मेरा दोस्त अविनाश। और ये बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, इसको ना क्विज का ना पिछली बार में ऑलमोस्ट थोड़े से चूक गया था, इस बार पक्का क्विज में हो जाएगा, गारंटी हो जाएगा। क्विज में तो बात अलग है, लेकिन आप एक काम कीजिएगा, इसको जरूर यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको बोलो और वीडियोस अपलोड करने के लिए 4000 घंटे के लिए मोनेटाइजेशन होगा। अरे चार करूंगा। अभी सुनो, उसके सारे सब्सक्राइबर को मैं बोल रहा हूँ, आई हैव बीन विथ कॉन्टैक्ट सिंस लास्ट नवंबर, दिस नॉट नवंबर 2016, एंड ही इज सेइंग दैट ही विल कम टू माय जोन, एंड दैट टुडे इज 9th February 2018, ही स्टिल कम, ही हैज डन मेनी ट्रिप्स अक्रॉस द कंट्री, बट आऊंगा NFR जरूर आऊंगा मैं, ये पिछले कॉन्वेंशन में मैं कहा था। अरे टाइम मिलना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए, और दूर भी है ना NFR, क्या करें फिर। ठीक है तो चलो कोई नहीं, ठीक है इसको आऊंगा जरूर, NFR पक्का आऊंगा मैं। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, thanks for the early comers for cooperating with us for waiting, thanks for the late comers for making sure that we are on time regardless of how much delayed we are. So right, so this is, I think it was, yeah, that's better. The newcomers, first timers to attend an IRFC convention. Okay, now I'll ask just everyone to come up and just give a brief intro of each one of them. Let's start with Mani Vijay, Mr. Mani Vijay, sir. Senior most newcomer, founder member of IRFC. Mani Vijay, my original name, can anyone guess my last name? Mani Balasubramanian. Mani Balasubramanian. Okay, some people are Vijay Balasubramanian. My family conspired to strip me of my name, so it's become Mani. Last name Vijay is a family name, so you know I'm kind of confused now. I don't know if I'm Mani or Vijay. But anyway, so you are Vijay with a lot of money. Dollars. Vijay is a loco. Correct. But actually, the other thing is, like, it's good to meet a lot of people whom I've been communicating to. I want to say that, and it's good to finally meet face to face. But I never felt that it was dangerous because of, you know, the internet and so on. It's just, you know, meeting in front. We always be in touch. I feel that way. And so. Thanks. तो गाइज इसके बाद जो हमारे जो इवेंट्स हुए, तो प्रोग्राम थे क्विज वगैरह, उसके बाद हम सब यहाँ डिनर के लिए असेंबल हुए हैं, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज डिनर में क्या क्या है और कुछ बताना भी चाहता हूँ उसके साथ इंटरेस्टिंग चीज़। तो चलिए देखते हो, दिखाता हूँ मैं क्या। एक्चुअली डिनर कर चुका हूँ क्योंकि मैं आते साथ मेरे को भूख लगी थी और मैं वीडियो बनाना भूल गया था लिटरली। सारे रेलफेंस हैं, इंजॉय कर रहे हैं डिनर जो कन्वेंशन में डेलीगेट आए हुए। तो सबसे पहले सैलेड है एज यूजुअल जो लंच में था, और इसमें मैं देखा नहीं वैसे इसमें क्या है। हाँ इसमें सूप है, सूप टोमेटो सूप, और आगे चलते हैं पापड़, और इसमें अभी बाकी है नहीं, अभी खाली हो गया। इसमें एक्चुअली था ये कटलेट, वेज कटलेट, वेज कटलेट था विथ सॉस, ये इसको क्या बोलिए, उंधियो, उंधियो, ये गुजरात की स्पेशल डिश है, मिक्स है, पूरा मिक्स रहता है इसमें, वो मिक्स नहीं रहता है, नहीं नहीं अलग अलग वेजिटेबल्स रहते हैं इसमें, तीन आइटम मेन होते हैं, पापड़ी, बैंगन, कन, ये तीन मिक्स है।
पापड़ी बैंगन और टन के और स्वीट पोटैटो से बनते हैं उंडियो और वो आलू गोभी भी रहता है वो मिक्स वेजिटेबल है ये मिक्स वेजिटेबल है और ये नॉर्मल राइस दाल कढ़ी गुजराती कढ़ी गुजराती कढ़ी महाराष्ट्रीयन अलग है गुजराती कढ़ी अलग है महाराष्ट्रीय थोड़ी सी खट्टी रहती है हाँ ये स्वीट रहती है गुजराती वाली स्वीट रहती है जो मराठी वाली वो थोड़ी सी खट्टी रहती है थोड़ी के बहुत बटर रोटीज और सिंपल रोटीज नॉनवेज के लिए नॉनवेज जिनको ये है चिकन चिली ड्राई चिकन चिली एक्चुअली और ये चिकन करी है मसाला चिकन बोल सकते हैं चिकन करी जो बोलना और बाकी आगे ये है स्पेशल स्वीट है मूंग दाल का हलवा है ये लिखना चाहिए ना एटलीस्ट बोर्ड लगा देते तो ये सब था खाने पीने का सामान और मजे की बात ये है एक्चुअली मैं सैटरडेज को खाता नहीं हूँ नॉनवेज तो मुझे आज ऐसा सुबह से लग रहा था कि आज सैटरडे या सैटरडे करके इसलिए सुबह को ऑमलेट भी मैं स्किप कर दिया ऑमलेट मेरे को खाने की इच्छा थी लेकिन अभी बाद में मेरे को याद आया नहीं आज सैटरडे नहीं आज है फ्राइडे तो इसलिए फाइनली मैं खा पाया ही इसको चिकन को मुझे पता है कोई ना कोई है जो इसके लिए मेरे को डांटेगा लेकिन मुझे चिकन रेजिस्ट नहीं हो पाता मतलब रेजिस्ट ही नहीं कर पाता अगर चिकन सामने होता है तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको चिकन से बहुत ज़्यादा प्यार है मैं उनमें से एक और चिकन के साथ साथ एक चाय मेरे को बहुत पसंद आती है तो आज के लिए तो अभी इतना ही हो गया फर्स्ट डे सेकेंड डे थोड़ा छोटा रहेगा ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा तो अब सीधा हम मिलते हैं कल सुबह मिलते हैं यहीं पर ऑडिटोरियम में ही मैं स्टार्ट करूंगा फिर आपको दिखाऊंगा आके होता वो क्या रहा है एग्जीबिशन आज देख नहीं पाए क्योंकि वापस आने के बाद एग्जीबिशन हट गई थी उसे ठीक से देख नहीं पाए थे तो अब जो भी है कल मिलते हैं ओके बाय अभिजय देव